सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अवान मोबाइल लैब। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे पास मोबाइल आया है आईटेल का A48L6006। तो इसमें जो प्रॉब्लम है ये रीस्टार्ट हो रहा है। मोबाइल को मैं ऑन करके आप दोस्तों को चेक कराता हूँ। ये मोबाइल कस्टमर का कहना है कि ये जब भी इसमें बैटरी डालते हैं तो ये आगे जा कर रीस्टार्ट हो जाते हैं, मोबाइल प्रॉपर ऑन नहीं होता। तो ये मोबाइल मैंने पहले से चेक किया है, फॉल्ट इसका मैंने ट्रेस किया और मैंने कहा चलो इस पर वीडियो बना लेते हैं। तो इसको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चेक करना है ये देखें। यहाँ पे फ़ोन इस स्टार्टिंग पे आ रहा है, ये चेक कर लें और उसके बाद फिर दोबारा आईटेल पे आ जाता है। यहाँ से आगे फिर दोबारा मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देख लें दोस्तों, ये फ़ोन इस स्टार्टिंग पे आ गया, ठीक है, और ये आईटेल पे वापस आ गया। और ये बैटरी इसकी फुल है, कभी ये बैटरी लो दिखाता है कभी फुल दिखाता है। तो इस सूरत में इस मोबाइल को किस तरह से ट्रेस करना है आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ यही शेयर करेंगे। तो आपसे गुजारिश होगी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से मेरी गुजारिश होगी अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मोबाइल रिपेयरिंग की मज़ीद वीडियोज़ आप दोस्तों को इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। तो मोबाइल ऑलरेडी मैंने पहले से खोला हुआ था आप दोस्तों को चेक कराने के लिए, मैं दोबारा इस पर काम करता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी शॉर्टेज चेक करता हूँ, आप दोस्तों को चेक कराता हूँ। मीटर को हम बजर मोड पे कर लेंगे। और ये मैं आप दोस्तों को शॉर्टेज चेक करा रहा हूँ बैटरी टर्मिनल पे, ठीक है, रिवर्स में। और अभी फॉरवर्ड में चेक करते हैं। तो मीटर के हिसाब से इसमें कोई शॉर्टेज नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, ये फॉल्ट दरअसल आता है इस वजह से कि इसकी जो सेंटर वाली BSI लाइन है, इसमें BSI और NTC ये एक ही लाइन है, ठीक है। तो इसी लाइन से अक्सर इसका मसला होता है, ये बैटरी को सेंस नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से मोबाइल रीस्टार्ट हो रहा है। ये मैं जूम करके चेक कराता हूँ आप दोस्तों को। तो वीडियो लंबी हो रही थी, शॉर्ट शॉर्ट से मैंने आप दोस्तों को ट्रेस करके बताया है। स्कीमेटिक से जब हमने इसका सर्च किया तो ये NTC जो लाइन है इसकी बैट ऑन की, ये वाली, इसी में मसला मुझे नज़र आया है। इसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो इस रजिस्टर की वैल्यू चेंज होने की वजह से ये मोबाइल इस तरह मसला कर रहा था। तो आइए इसको चेंज करके उसके बाद देखते हैं कि इसका मसला हल होता है कि नहीं। तो ये कम वैल्यू का रजिस्टर है, ये मैंने कॉल के तो डायरेक्ट इसको पहले मैं जंपर करके चेक करूँगा। और बेहतर ये है कि इसकी जगह पे सेम वैल्यू का रजिस्टर आप लगाएं, तो वो सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। और दूसरी बात ये दोस्तों, जब इसको चार्जर पे लगाते थे तो चार्जिंग पे भी ये बैटरी टेम्परेचर टू लो का ऑप्शन आ रहा था इसमें। तो ये NTC रजिस्टर जो है इसका, ये जो लगा हुआ था, ये पैरेलल में लगा हुआ था ये रजिस्टर, तो इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये मसला कर रहा था, ठीक है। ये मैंने उठाया है, इसकी जगह मैं दूसरा रजिस्टर लगा के उसके बाद आप दोस्तों को चेक कराता हूँ। तो वीडियो को मैंने काफ़ी स्किप किया है, ज़्यादा आप दोस्तों का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से वीडियो को स्किप कर रहा हूँ। तो दोस्तों देख लें, मोबाइल अभी ऑन हो चुका है।
ये बैटरी सेंसर का इसमें मसला था। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।